मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्री सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे पूर्व हमारे अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, टीकाराम जुली जी, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, सब आपके बीच में पधार चुके हैं। कृपया तालियों से जोरदार स्वागत। अब मैं टीकाराम जुली जी से विनती करता हूं कि वो आके इस मंच का संचालन करेंगे। टीकाराम जी जुली, राजस्थान की इस पावन धरा पर मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा। आदरणीय सुखजिंदर जी रंधावा साहब आए और खड़गे साहब का माला पहना के स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी आए और साफा पहना के खड़गे साहब का स्वागत करें। और टीकाराम जी जुली साहब आए और शॉल उड़ाकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का स्वागत करें। रंधावा साहब, डोटासरा साहब साफा पहना के स्वागत करेंगे और जुली जी शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। इसी क्रम में सोनिया गांधी जी का माला पहनाकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अब मैं आग्रह करूंगा हमारी कांग्रेस पार्टी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि उनका माला पहनाकर हमारी एआईसीसी की सह प्रभारी अमृता धवन जी और शॉल उड़ाकर धीरज गुर्जर जी उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सचिन पायलट साहब से कि वे शॉल उड़ाकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी का स्वागत करें। गुलाबी नगरी और राजस्थान की इस पावन धरा पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र 2024 जिसका शुभारंभ होना है, उसके लिए मैं हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका अनाउंस कर दूं क्या? बुला दूं आपको, मैडम तो आई नहीं। अब मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी को कि वो आए और शब्दों के माध्यम से मान्य अतिथियों का स्वागत करें। आदरणीय डोटासरा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमें सबसे बड़ी खुशी हो रही है आज राजस्थान में कि हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी हमारे बीच में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद में पहली बार राजस्थान में आ रही है। हम तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय हमारे प्रभारी रंधावा साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जुली जी, हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम नेतागण, हमारे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारे प्रेस के मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं आदरणीय खड़गे साहब का, मैडम सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, ये जो हमारा न्याय पत्र 2024 जो कल लॉन्च किया है
उसको लेकर के जो आज जयपुर में राजस्थान में हमें यहाँ पर सभा करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय खड़गे साहब, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक देश में झूठ बोल के जुमलों की सरकार दी, तानाशाह सरकार दी, किसानों का शोषण किया, 3 काले कानून दिए और 22 महीने पहले इन किसानों से जो वादा लिखित में किया था, जब उसको मनवाने के लिए जब वापस दिल्ली जाने लगे हमारे किसान भाई, तो उनको रोड पे रोक दिया गया, दिल्ली नहीं जाने दिया गया। यही देश के प्रधानमंत्री, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन 3 काले कानून लाद करके किसानों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। कल देश के प्रधानमंत्री हमारे शेखावाटी में चूरू जिले में आए और वहां पर आकर के जो किसानों का जिला है, शहीदों का जिला है, सैनिकों का जिला है, युवाओं का जिला है, वहां पर आकर के युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों की जो अग्निवीर योजना 4 साल की अस्थायी, सेना की नौकरी को स्थायी करने की बात नहीं कर रहे हैं, किसान के ऋण माफी की बात नहीं कर रहे हैं, किसान के MSP की बात नहीं कर रहे हैं, और केवल मात्र बात कर रहे हैं कि हमने 370 जम्मू कश्मीर में उठा दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे MSP का, कर्ज माफी का, किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा नहीं किया था क्या? आज देश के प्रधानमंत्री अजमेर जिले में आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को कि आपने अजमेर में कहा था कि 13 जिलों की ERCP मैं जल्दी राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा, आज 5 साल के बाद में भी वो ERCP राष्ट्रीय परियोजना नहीं हुई है। यहाँ पर एक इस प्रकार से पर्ची से बनी हुई सरकार थोप दी, और उस सरकार के बनाने से पहले देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हरियाणा का और राजस्थान का पेट्रोल का भाव बराबर कर दूंगा। आज भी 4 महीने बाद में भी 10 रुपए का अंतर प्रति लीटर यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान में है। देश के प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भ्रमित करते हुए घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपराध कर दिया था कांग्रेस के समय में, आज हम अपराध मुक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे CMO में, CMR में रहने वाले CI के बेटे ने हत्या कर दी और आपने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, ये हम लोग पूछना चाहते हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, इनको कोई परवाह नहीं है, ये देश के असली मुद्दों से ध्यान अटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों, किसान भाइयों, ये मौका है, ये हमारा न्याय पत्र है। आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक गारंटी के रूप में हमारे सामने लेकर के आए हैं, इसको गांव गांव ढाणी ढाणी पहुंचाना है, कांग्रेस को जिताना है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान का किसान, नौजवान, मातृशक्ति, 36 कौम के लोग राजस्थान में ऐसा गुल खिलाएंगे, ऐसा गुल खिलाएंगे कि दिल्ली में मोदी सरकार का मोरिया बोलेगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सबका पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब से कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय गहलोत साहब, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे महबूब नेता परम सदे सोनिया गांधी जी, AIC जी की महासचिव प्रियंका गांधी जी, रंधावा साहब प्रभारी, गोविंद उतारसा जी प्रदेश अध्यक्ष, टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष सचिन पायलट जी, प्रमोद तिवारी जी, नीरज डांगी जी, CP जोशी जी, BD गला साहब, चंद्रमान जी, सुप्रिया श्रीनेते, रघु शर्मा जी, धीरज गुजर जी, प्रणव झा, अमृता धवन, प्रताप सिंह खचरेवास और तमाम
उपस्थित समझे मंच, उपस्थित हमारे बुजुर्गों भाइयों विधायकगण पूर्व विधायकगण, सबसे पहले मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से खड़गे साहब का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि सोनिया जी के राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनने के बाद में पहला अवसर आया है जब वो हमारे बीच पधारी हैं। इस बात की हमें अत्यंत खुशी है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि आपने जयपुर चुना मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, और मैं आपको इस मौके पर मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा, जैसा आप सब जानते हैं 25 साल पहले जब सोनिया गांधी जी ने, जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब मौका दिया सीएम बनने का पहली बार। उस वक्त मैंने एक परंपरा डाली थी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जब आता है चुनाव के बाद में उसको भूल जाते हैं, कोई याद नहीं करता है। मैंने नई परंपरा शुरू करी, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैंने मैनिफेस्टो को रखा, चीफ सेक्रेटरी को कहा, क्योंकि हम वादा करके आए कि मैनिफेस्टो के आधार पर ये हमारा सरकारी डॉक्यूमेंट की तरह होगा और तमाम सरकारी स्कीमें मैनिफेस्टो में जो वादे किए हम जनता से, उसको सामने रख करके आपको पूरा करना है। एक नई शुरुआत हुई थी, जिला कलेक्टर, कमिश्नर, आपके सेक्रेटरी, तमाम लोगों के ब्रीफ केस के अंदर मैनिफेस्टो पहुंच गया। वो दिन याद है मुझे, वही परंपरा हमने दूसरी बार सीएम बना में तब रखी, तीसरी बार रखी, इस बार 90% मैनिफेस्टो हमने पूरा किया। मुझे खुशी है हमारी मैनिफेस्टो और हमारी जो योजना थी उसमें खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने अब जो नया मैनिफेस्टो बनाया है वो एक प्रकार से इतिहास बन जाएगा, देश के अंदर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इतना शानदार न्याय, इतनी शानदार गारंटी दी गई है, उसमें हमारे शहरी रोजगार की बात हो, गिग वर्कर एक्ट की बात हो, या राइट टू हेल्थ की बात हो, चिरंजीवी योजना की बात हो, तीन योजना हमारी रखी गई है उसके कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, और मैं कहना चाहूँगा खड़गे साहब, आपकी टीम ने जो मैनिफेस्टो में थे, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है, राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर जो हजारों लाखों लोगों से मिलना हुआ, इंटरेक्शन हुआ, गरीबों से, दलितों से, युवाओं से, छात्रों से, महिलाओं से, इस देश की जनता से, उसके आधार पर आप लोगों ने मैनिफेस्टो तैयार करवाया गया है। उसके आधार पर आपने राइट टू सोशल सिक्योरिटी दुनिया भर के मुल्कों में है, अब आपने शुरुआत कर दी है इस देश के अंदर भी हर परिवार को सोशल सिक्योरिटी मिले, इतना बड़ा काम आपने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैनिफेस्टो, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक संकल्प लेके जाएं मैनिफेस्टो की भावना को, मैनिफेस्टो में लिखे हुए बिंदुओं को, आप जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं वो भी, और हमारे विधायकगण भी, तमाम नेता लोग अपने अपने नाम से छपाओ और गांव गांव घर घर में पहुंचाओ। चुनाव का कैंपेन भी हो जाएगा, मैनिफेस्टो का एक एक पॉइंट बहुत महत्व रखता है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आपको गर्व महसूस होगा, हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का लंबा इतिहास आज़ादी पहले का भी है, और महात्मा गांधी के सानिध्य में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान, जिसके लिए हम कहते हैं कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के पीछे छिप करके ये लोग शासन कर रहे हैं, इन सब की पोल खोलने का वक्त आ गया है। यही बात कहता हूँ मैं आप सब पधारों में, आह्वान करूँगा कि कृपा करके आने का मकसद तभी पूरा होगा तब मैनिफेस्टो की भावना को आप लोग घर घर पहुँचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय गहलोत साहब। अब मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और AICC के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट साहब से कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय पायलट साहब, परम आदरणीय खड़गे साहब, हमारे महासचिव सम्मानीय प्रियंका गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, रंधावा जी, डोटासरा साहब, मंच पर सभी हमारे नेतागण, हमारे प्रत्याशीगण, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक और आज इस सभा में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी जयपुर आए हैं, राजस्थान आए हैं। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो हमारा घोषणा पत्र, जिसको कल हम लोगों ने दिल्ली में मुख्यालय पर औपचारिक रूप से जनता को प्रस्तुत किया था, आज जयपुर के माध्यम से पूरे देश भर में जन जन तक हमारा घोषणा पत्र लोगों तक पहुँचे, इस इरादे को लेकर यहाँ पर आए हैं। आप सभी जानते हो इस चुनाव के अंदर ये चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव एक दल नहीं लड़ रहा, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है। और 10 साल से इस देश में जो वातावरण बना है, 10 साल से केंद्र की सरकार ने जानबूझकर तमाम हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर करने का जो काम किया है, ये इस बात का चुनाव है कि 10 साल से जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खड़गे साहब का, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने पहली बार ये घोषणा करी कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम किसानों को MSP की लीगल गारंटी देंगे, किसानों को एक कानून अधिकार मिलेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा करेंगे। हमारे जो घोषणा पत्र है, महिला, नौजवान, श्रमिक, हर वर्ग को साधने का हम लोगों ने किया है। ये चुनाव देश के लिए निर्णायक चुनाव है। आने वाले दिनों में प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे साहब तमाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, प्रचार करेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचे। जब तक हमें काम नहीं करेंगे और चुनाव बूथ पे नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अच्छी तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। विधानसभा चुनावों में थोड़ी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन दोबारा मौका हम लोगों को मिला है। राजस्थान से अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा। और 2004 में भाजपा ने घमंड और अहंकार में प्रचार किया था इंडिया शाइनिंग का, आज 20 साल बाद वही होगा जब सोनिया जी के नेतृत्व में 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 24 में भी पलटफेर होगा, NDA हारेगी, इंडिया जीतेगी और हमारी सरकार बनेगी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले चुनाव प्रचार में हम दमखम के साथ हमारे तमाम 25 के 25 लोकसभा प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। धन्यवाद पायलट साहब। अब मैं आवाज दूंगा उस शख्सियत को जिसने जिसने पूरे देश के अंदर आम व्यक्ति को जो कानून दिए, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, चाहे राइट टू फूड हो, चाहे राइट टू एम्प्लॉयमेंट हो, ऐसे कानून हमारी सरकार के द्वारा पिछले 10 वर्षों में दिए गए थे, जिनकी अध्यक्षता में ये सारे कानून बने। ऐसी आदरणीय सोनिया गांधी जी, जोरदार ताली बजाकर सब लोग सोनिया जी का स्वागत करें। हमारी सोनिया गांधी जी के स्वागत के लिए माला पहना के आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब उनका स्वागत करें, शॉल उड़ाकर आदरणीय सचिन जी पायलट साहब उनका स्वागत करें, माला पहनाकर हमारे सह प्रभारी चिरंजीव राव जी उनका स्वागत करें, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। साथियों,
देश के अंदर देश की महिला शक्ति को जगाने वाली, उनको राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई पहचान देने वाली और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली हमारी एआईसीसी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी को आमंत्रित करता हूं। वह आए और अपनी बात रखें और जोरदार तालियों के साथ प्रियंका जी का स्वागत करें। राम राम साहब। परमादरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरी प्यारी माताजी, आज मुझे बहुत खुशी है, गर्व भी है कि आज पहली बार आपके प्रदेश से राज्यसभा बनने के और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद आपके यहाँ आई हैं और मुझे गर्व है कि आज मुझे उनके साथ यहाँ आने का मौका मिला। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सुखजिंदर रंधावा जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री गोविंद दोतासरा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज ये मौका है कि हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं का की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है, देखिए आज की परिस्थितियां क्या है, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए। बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया, अग्निवीर जैसी स्कीम लाई जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में, जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं आज, महंगाई की ये परिस्थिति है कि ठीक है चुनाव आने लगा तो 2 महीने पहले इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम कम कर लिया, लेकिन इतने सालों से क्या दाम था, इतने सालों से आप क्या देख रहे हैं, आपका अनुभव क्या है। मेरी बहनें जानती हैं, त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खर्चा करेंगे, लिपाई पुताई कैसे कराएंगे, त्योहार के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेंगे, दुकान जाएंगे क्या खरीद पाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है, किसान सड़क पर आंदोलन करता है, प्रधानमंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते। जीएसटी से मारा जा रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है, वहां पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है, क्या मीडिया में दिखता है, क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए कांग्रेस पार्टी दे रही थी और आज 5 लाख हो गया है, क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है, उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं, किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है आक्रमण, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, टीवी की तरफ से हो, भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो। तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही, जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा, अच्छा अच्छा दिख रहा है इश्तिहार, टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, तो किसी का तो भला हुआ होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है इसको पहचानने का अब समय आ गया है। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुन्दर के अंदर जाके नीचे पानी के नीचे हैं, तो यही दिख रहा है आपको। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है, ये सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है, अपने अनुभव में दिख रहा है, सिर्फ आपके संघर्ष आप पहचान रहे हैं, इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी है, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता, आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में, और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे, चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है, आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं, गाजे बाजे में, शोहरत में, आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए है ये, और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए हैं। आज पूरे विपक्ष पर हमला है, 2-2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं, सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके वो निमंत्रण देके ले रहे हैं,
और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं और जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमजोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीमें जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। तो हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी का को हम कानून बनाएंगे, गहलोत जी ने भी आपको बताया। स्थाई कृषि ऋण माफी का आयोग बनेगा, मतलब एक स्थाई आयोग होगा और आपके जो ऋण हैं, जो छोटे किसानों के जो ऋण हैं जो आपके माफ नहीं होते हैं, उसके लिए वहां सुनवाई होगी। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों में सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनेगी और कृषि में इस्तेमाल जितने भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं कृषि में वो जीएसटी से माफ होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मैंने बेरोजगारी की बात की, युवाओं के लिए केंद्र में 30 लाख जो खाली पद भरे हैं पड़े हैं उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की मिलेगी और स्नातक पास को 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो पेपर लीक होते रहते हैं जिससे आपका बहुत नुकसान होता है और पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे रहते हैं, उसके समाधान के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। सख्ती से जो ऐसे काम कराएंगे सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी और एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें जो नियुक्ति के जो डेट हैं, जो इम्तिहान के डेट हैं, रिजल्ट के डेट हैं, वो पहले से बताए जाएंगे। जो लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, गिग इकोनॉमी मतलब जैसे शहरों में आप जो डिलीवरी वाले युवा हैं जो डिलीवरी करते हैं, इस तरह की जो नौकरियां हैं इनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा युवाओं के लिए, ताकि युवा जब अपने कारोबार शुरू करना चाहें तो उनको लोन मिलेगा और उनको पैसे दिलवाए जाएंगे। महिलाओं के लिए खास हमने कुछ सोचा है कि हर जो गरीब महिला है उसे सालाना 1 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50% महिलाओं को दी जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, वेतन में केंद्र का योगदान 2 गुना होगा और हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल होने चाहिए
देश में काफी नहीं है, उनकी जो संख्या है उसको दो गुना किया जाएगा और हर जिले में कम से कम एक ऐसा हॉस्टल होगा। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी हमने गारंटी किया है कि वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा और एक स्पेशल बजट, स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे और राज्यों में पैसा के अनुसार कानून बनाए रख किए लागू किए जाएंगे, जिससे जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। एक साल के अंदर अंदर जितनी भी FRA के क्लेम हैं उनका निपटान किया जाएगा और लघु वन उपज जो है उनको भी MSP के दायरे में लाया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने कुछ सोचा है कि उनके स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देना चाहते हैं। जांच से इलाज तक पूरी सेहत की देखभाल की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की गारंटी हम करेंगे और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून लागू होगा, जिस तरह से ये कानून गांव में लागू होता है। देखिए, ये हम न्याय की गारंटी दे रहे हैं आपको, हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना खून बहाया है। इसी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को बनाया और उसमें अपना तमाम नेताओं ने जान दी, जीवन दिया और इस देश का निर्माण किया है। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहती हूँ अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से और खास तौर से इस देश की जनता से, इस देश के एक एक नागरिक से, ये मेरा आग्रह है, इस चुनाव को आप अपने मुद्दों पर लड़वाइए। जो आपके जीवन का अनुभव है वही सत्य है, वही सच्चाई है। जो आपको दिखाई दे रहा है TV पे, इश्तिहारों पे, होर्डिंग्स पे, ये सच्चाई नहीं है। जो ये मोदी जी ने इवेंट बाजी बना रखी है, गाजा बाजा ये सब, जो लोग सोचते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करके गद्दी पर सुरक्षित रहेंगे, उनको सच्चाई दिखाइए। क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव पर उतर कर अपना वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपनी सच्चाई, अपने सत्य, अपने अनुभव के आधार पर इस देश के निर्माण को नहीं करवाएंगे, तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। और हम ये हालात बदलना चाहते हैं, हम आपके हालात बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हों, कि सब सुविधाएं आपको मिलें, कि देश की सारी संपत्ति आपके हाथों में जाए। इसीलिए ये चुनाव आपका चुनाव होना चाहिए, ये चुनाव इस देश के लिए होना चाहिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इसी आधार पर आपका वोट जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लंबा मैं बोली, अध्यक्ष जी को भी बोलना है, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार बोलिए, जय हिंद। धन्यवाद मैडम। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सोनिया गांधी जी से, खड़गे साहब से, प्रियंका जी से और हमारे संपूर्ण मंच से कि देश का विजन न्याय पत्र 2024 राजस्थान की जनता के लिए यहां पे जारी करें।
धन्यवाद सम्मानित मंच। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने 7 साल की उम्र के अंदर दबंगों द्वारा अपना घर जलते हुए देखा है, उस घर में अपनी मां और बहन को जलते हुए देखा है, उस संघर्ष से यहां तक पहुंचने वाले और राजनीति के अंदर मात्र अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि जो हमारी राज्यसभा की सदस्य बनने के बाद में पहली बार हमारी इस वीर भूमि के अंदर पहुंची है, जोरदार तालियों के साथ सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष दोतासरा जी, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी, उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, वीरों और देशभक्तों के इस महान प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पर इस कार्यक्रम में आज आप सबके बीच आकर मुझे अपार गर्व हो रहा है। साथियों, कभी हमारे महान पूर्वजों ने अपने कठिन संघर्ष के बलबूते पराधीनता के घोर अंधेरे में देश की स्वाधीनता के सूर्य को खोजा और पाया था। इतने वर्षों बाद वह महान ज्योति कुछ मद्दीम पर गई है। चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। भाइयों और बहनों, हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है, इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है। लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। भाई और बहनों, देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा,
कोई हो सकता है जो ऐसा सोचता है? देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मेहनत से कड़ी की गई लोकतांत्रिक संस्थाओं को राजनीतिक सत्ता का हथियार से बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं, हमारे संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा रहा है। पूरे तंत्र में भय बताया जा रहा है। यह सब क्या है? ये तो तानाशाही है और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे। आज रोज की कमाई से खाने पीने का सामान तक जुटा पाने मुश्किल है। मेहनतकश कामगार के परिश्रम का मोल कम होता जा रहा है। रसोई की महंगाई बार बार मेरी बहनों की अग्नि परीक्षा ले रही है। किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे बच्चियां बेरोजगार है। गरीब जितना जोर लगा ले उसके पास शक्ति, सफलता और रोशनी पहुंच नहीं पा रही है। साथियों, आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ और जिसके बारे में प्रियंका ने विस्तार से आपको बताया है। तो भाइयों और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सबको यहां आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम सोनिया गांधी जी। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपनी बात आप लोगों के बीच में रखें, जिन्होंने दशकों से अपने सामने चुनाव लड़ने वालों को धूल चटाई है। मात्र 82 साल की उम्र तक एक चुनाव में हारे हैं, बाकी कहीं भी चुनाव लड़े सारे चुनाव जीते हैं। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, जोरदार एक बार नारा, मल्लिकार्जुन खड़गे। धन्यवाद। आज के इस चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर हमारे सीपीपी के अध्यक्ष और कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और इस मौके पर जो हमारे को सभी को संबोधित किए,
श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारस जी, महासचिव पवार जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, सीएलपी लीडर टीकाराम जूली जी, यहाँ पधारे सभी पदाधिकारी गण और विशेष करके और हमारे बहुत से नेता इस मंच पे बैठे हैं, मैं वो सभी का नाम लेने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि समय का अभाव है और आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं हम सब लोगों की बात सुनने के लिए। अब सारी चीजें प्रियंका गांधी जी ने हमारे घोषणा पत्र का एक एक करके आपको बताया और जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम कभी झूठ बोलने वालों में नहीं है, जैसा कि मोदी झूठ बोलते हैं और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ नया झूठ बोल के आते हैं। उन्होंने कितने गारंटी हमसे पहले दिए हैं, कौन सा गारंटी उन्होंने लोगों को दिया है, लोगों तक पहुंचा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। पहला तो बहुत बड़ा गारंटी युवाओं को दिया, कौन सी गारंटी? युवाओं को कहा मैं हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 5 साल में 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देना था। मैं पूछता हूं क्या वो 20 करोड़ नौकरियां देश के युवाओं को मिला है? अरे मोदी प्रधानमंत्री है, वो कैसा झूठ बोल सकता है? आपको नौकरी मिली है इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं मिला तो मोदी झूठ है, क्या कांग्रेस पार्टी झूठ है? मोदी झूठ है। और दूसरी चीज, मोदी ने यह कहा बाहर के देशों में कांग्रेस पार्टी के लोग काला धन रखा है, वो काला धन लाकर मैं हर एक को 15-15 लाख दूंगा। दिया 15 लाख? अरे प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है भाई, वो हमेशा यही कहते हैं हरिश्चंद्र के बाद मैं ही पैदा हुआ हूं, तो ये 15 लाख भी आपको नहीं मिले? ठीक है छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये कहा किसानों के लिए उनकी आमदनी
दुप्पट कर दूंगा, उस किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई है। तीसरा चौथा उन्होंने कहा कि एमएसपी रेट हम बढ़ाएंगे किसानों के लिए, क्या उन्होंने किया? अब सब नहीं 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 बोल रहे, बोले तो अब मुझे, इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, मोदी जी ये झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलते हैं। और मुझे मालूम नहीं क्यों, किस वजह से वो झूठ बोलते गए। परसों मैं सुना, कल शायद, उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया, अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान है, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और राजस्थान के लिए कांग्रेस ने क्या किया देखिए, इंदिरा गांधी नहर ये बहुत बड़ा, इससे पूरा राजस्थान का पिक्चर बदल गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जो लोग बाहर जाते थे आज इंदिरा गांधी नहर से लोग किसान खुश हैं। क्या ये मोदी ने किया? चंबल घाटी परियोजना कांग्रेस ने किया, क्या मोदी ने किया? मेवाड़ यूनिवर्सिटी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मेजाबाग भिलवाड़ में हमने बनाया, मोदी का एक जगह तो कोई बांध या कोई डेवलपमेंटल वर्क या कोई दिखे जैसा जनता के फायदे के लिए उन्होंने दिया है, तो ये व्यक्ति सब जगह कहता है मैंने ये किया मैंने। आजकल सबसे चर्चे में है वो मोदी जी, अब रेलवे लाइन तो पहले ही डाले हुए थे ब्रिटिश के जमाने से लेकर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और रेल मंत्री जितने भी, कहीं भी रेल डालना था वो तो रेलवे हमने कर दिया था। अब मोदी क्या कर रहे हैं, उस पे एक एक ट्रेन छोड़ना, हरी झंडी बताना। अरे ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, उसका क्रेडिट भी आप लेते हो और रेलवे स्टेशन पे जाके ऐसा हिलाते बैठते हैं। तो ये मोदी की देन है, बगैर काम करते हुए, बगैर काम किए क्रेडिट लेने का उनका हमेशा से ये बात है। अब एम्स जोधपुर में आया, किनके काल में आया एम्स, किसके काल में आया? आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर, बिसलपुर बांध, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट,
HAL, BAL, BHEL, ये सारे चीजें कांग्रेस के जमाने। और मोदी जी कहते हैं देश का विकास हो रहा है, और मैं देश के विकास के लिए काम कर रहा हूं, और इस बार नया सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो पार्टी का नाम भी नहीं बोलते या वो बीजेपी का नाम नहीं बोलते, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो एक गारंटी है। मोदी की क्या गारंटी है भाई? मैंने जो गिना था वही गारंटी, नहीं देने का गारंटी, ये मोदी की गारंटी। और ये हर जगह कह रहे हैं मेरी गारंटी। अरे ये गारंटी तो हमारा शब्द है, मोदी ने चुरा लिया, चुरा लेके आज मेरी गारंटी, मेरी गारंटी, मोदी गारंटी बोल रहे। अरे हमने तो हिमाचल में गारंटी दी, और प्रियंका जी यहां है, उन्होंने खूब मेहनत किया और वहां की सरकार हमारी आई। वो जो गारंटी हमने वहां दिया था उसको हमने लागू किया। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी दी थी, हम उसको लागू किया। तेलंगाना में हम गारंटी दी थी, वो 6 गारंटी हमने लागू किया। तुम्हारी कौन सी गारंटी है भाई? झूठ बोलने के अलावा कोई गारंटी ही नहीं है। उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करते हैं, दिशा भूल करते हैं। आपने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी हर जगह बोलते फिरते हैं कांग्रेस वाले कुछ नहीं किए, 70 साल में कुछ नहीं। अरे भाई हम तो 55 साल थे, 55 साल में क्या किए उसका हिसाब दे रहे हैं। और जयपुर में क्या किए, राजस्थान में क्या किए, इसका हिसाब हम दे रहे हैं। तुम दो ना तुम्हारा हिसाब, तुम क्या किए वो बोलो। बोलने की ताकत उनमें नहीं है, सिर्फ गालियां देने की है। बात उठी तो कांग्रेस को गालियां देना, बात करे तो गांधी फैमिली को गालियां देना। अरे ऐसी गालियां दे के तुम कितने दिन बच जाओगे? एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम जो बातें कर रहे हैं, गद्दी से उतरने के बाद लोग यही सवाल पूछेंगे तुमने देश के लिए क्या किया, ये गालियां आपने दी, ये ले लो तुम्हारे गालियां वापिस। तो ये जो हमेशा अब फॉरेन पॉलिसी उनकी, विदेश नीति, विदेश नीति में भी उन्होंने हर बार कहा देश मजबूत हुआ। ठीक है, मजबूत भी हुआ। हमारे जमाने में तो इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश को आजाद कराया, ऐसा कोई उदाहरण है? अरे यहां चाइना वाले आके आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं, घर बन रहे हैं, विलेज के नाम बदल रहे हैं, टाउन के नाम बदल रहे हैं, और उसके बारे में आप जिक्र नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ कि मैं मजबूत हो गया, मेरी 56 इंच की छाती है। भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती तुम्हारे पास रख लो, और तुम्हारी 56 इंच है, 55 इंच है, 54 इंच है, क्या है, एक आधा टेलर को बुलाएंगे और टेप लगा के देखेंगे अब क्या है। तो ये जो मोदी जी ये लोगों को कुछ नहीं किए, इसीलिए आज हमने 5 गारंटी और 20 उसके तहत 25 गारंटी हम दे रहे हैं सबके लिए, युवाओं के लिए दे रहे हैं,
महिलाओं के लिए दे रहे हैं, किसानों के लिए दे रहे हैं और हमारे दूसरे कारागार के लिए दे रहे हैं, श्रमिक को दे रहे हैं। ये सब 5 गारंटी हम इसलिए दे रहे हैं कि उनका जीवन सुगम हो, लेकिन इसके बारे में मोदी कभी बात नहीं करते। जो बात आपके तरफ से पार्लियामेंट में करता है, राज्यसभा में करता है, उनको सब बाहर डालते हैं। हम जब यहाँ पर सेशन चल रहा था, दिल्ली की लास्ट सेशन में, इन्होंने सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला और बाहर निकालकर सदन चलाया। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हमको बाहर डाल के अगर आप सदन चलाते हो तो आप कौन से डेमोक्रेसी में हैं? इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ हम न्याय की नहीं है, या ये लड़ाई सिर्फ आपको कुछ देने की बात नहीं है। सबसे बड़ा ये जो लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाना और लोकतंत्र को बचाना और उसी तरह देश के संविधान को बचाना। जब तक देश का संविधान सुरक्षित नहीं होगा किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। और मोदी, उनके लोग, आरएसएस के लोग, वो चाहते हैं कि ये जो संविधान है इसको निकालें। उनके बहुत से एमपी, उनके बहुत से लीडर्स हर जगह भाषण देते हैं कि बीजेपी को आप, मोदी जी को आप 2/3 मेजॉरिटी दो, इस देश का संविधान हम बदल के देंगे। क्या आप बदलना चाहते हैं? तो इसलिए लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपने हकूक के हिफाजत के लिए, दूसरों के लिए नहीं। डेमोक्रेसी बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, आपके लिए जो कुछ मिला है आजादी के बाद मिला है, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो डॉप्टिंग कमेटी के चेयरमैन होकर जो कुछ इस मुल्क के गरीबों के लिए दिया है, किसानों के लिए दिया है, युवाओं के लिए दिया है, महिलाओं के लिए जो दिया है, उसको बचाना है। ये लड़ाई है, ये मेन मुद्दा है। इस लड़ाई को आप कामयाब कीजिए, आपके साथ हम हैं। और कोई कितने मोदी आने दो जाने दो, अगर तुम मजबूत हो तो कोई इस देश में डेमोक्रेसी को मिटा नहीं सकता, संविधान को निकाल नहीं सकता। इस आपकी ताकत की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका सपोर्ट आने वाले 2024 में दो। और एक तरफ हमारी गारंटी आपके पास है, दूसरी तरफ सबसे बड़ा मुद्दा डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है। इतना कहते हुए मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद, जय हिंद। अरे जोर से बोलो, यहां से दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए। मोदी अगर सो भी गए तो उठना चाहिए, क्या गड़बड़ हो रहा। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। हम आग्रह करूंगा धन्यवाद के लिए आदरणीय प्रताप सिंह जी खासरेवास पधारे और सभी आए हुए अतिथियों को धन्यवाद दें। जय श्री श्याम।
हारे का सहारा, हारे का सहारा। आप सब लोग बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं, पूरा देश मेरी आवाज सुन रहा है। कांग्रेस के साथ खाटू श्याम बाबा तीन बाणधारी हमारे साथ है, हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप देख लेना। क्योंकि बाबा श्याम का आशीर्वाद जब मिलता है तो कांग्रेस की सरकार बनती है। पूरे देश में लोग दुखी और परेशान है। राजस्थान में हमारे नेताओं ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। आप सब लोगों से कहूंगा, एक ही दोनों हाथ खड़ा करके विश्वास दो कि राजस्थान की 25 जीतेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके विश्वास दो। और सब लोगों से कहूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे।